नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम बता दें, बहुत लोगों ने कमेंट किया दोस्तों कि सर स्कॉलरशिप के जितने भी फीचर उसके बारे में बताइए कि क्या क्या इन फीचर का मीनिंग होता है दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में आपको स्कॉलरशिप संबंधित जितने भी फीचर है उसमें कैसे आप अपना फॉर्म भरेंगे, किस में कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, उसमें क्या क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको हम स्कॉलरशिप के वेबसाइट के फीचर के बारे में पूरी जानकारी देंगे दोस्तों। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि आपको स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर कैसे जाएंगे और उनके फीचर का मीनिंग क्या क्या होता है। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम अपना मोबाइल से ही हम स्टार्ट करते दोस्तों। जो मोबाइल चला रहा है तो मोबाइल से ही हम बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप गूगल पे जाइए, वहां पे स्कॉलरशिप सेलेक्ट कर, मतलब कि स्कॉलरशिप टाइप करिए, SCHO डालेंगे तभी स्कॉलरशिप आ जाएगा, तो उस पर क्लिक कर दीजिए दोस्तों। जैसे ही स्कॉलरशिप पे क्लिक हुआ दोस्तों, देखिए सबसे पहला जो है scholarship.up.nic पे क्लिक करिए दोस्तों, क्योंकि वेबसाइट नया है दोस्तों, इसके लिए बहुत लोग कंफ्यूजन हो रहे हैं कि कहाँ से कैसे जाएं कि हम अपना फॉर्म भरें और क्या क्या इस मतलब की मीनिंग है दोस्तों, तो इसके लिए बहुत लोग कंफ्यूजन हो रहे हैं। तो इसीलिए हम इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। उसकी मीनिंग क्या होती है, मतलब उससे क्या क्या होता है, आपकी क्या क्या परेशानी उससे दूर हो सकती है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन पढ़ाई उत्तर प्रदेश, देखिए वेबसाइट ओपन हो गया दोस्तों। उसके बाद आपको कहाँ जाना है दोस्तों, आपको देखिए ये टैग दिख रहा है ऊपर, तीन खाने का लाइन बना है, तो उस लाइन पे क्लिक करिए। जैसे ही आप लाइन पे क्लिक करेंगे, देखिए स्टूडेंट लॉग इन रिपोर्ट स्टेटस कंटेक्स एंड, अब देखिए स्टेटस, अगर स्टेटस मीन्स क्या होता है दोस्तों, देखिए स्टेटस पे जैसा कि आपने अगर अगले बार फॉर्म भरा है, देखिए एप्लीकेशन स्टेटस 2019-18, तो अगर आपको अपना स्टेटस देखना कि हमारा फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुआ, किस लिए नहीं आया, क्या क्या हमारे में कमी थी, तो स्कॉलरशिप संबंधित कोई भी जाने तो एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करिए। और जैसे ही क्लिक करते हैं, देखिए ये आगे, तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन संख्या भरना है और जन्मतिथि, और सर्च करिए अपने अपना सर्च करेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके स्टेटस के बारे में पूरी जानकारी दे देगा दोस्तों। दूसरा आता है रिपोर्ट, कि हमारा क्या रिपोर्ट में गड़बड़, जैसे रिपोर्ट में आता सेशन 2018-19, तो रिपोर्ट के बारे में अगर जानकारी लेना चाहते तो यहाँ पे 2018-19 पे क्लिक करेंगे। तो जैसे कि जो रिपोर्ट चाहिए, जैसे कि अगले साल कितनी स्कॉलरशिप आई थी, जैसे अगले साल कितनी स्कॉलरशिप आई थी, कितनी स्कॉलरशिप दिया गया था, जैसे अलाहाबाद का चेक करना है तो अलाहाबाद पे क्लिक करेंगे दोस्तों। देखिए ये, देखिए इसमें दिया है अलाहाबाद का, नीचे आ गया ओबीसी एसटी एससी माइनॉरिटी के लिए कितना, जैसे टोटल पे दिया है दोस्तों स्कॉलरशिप कितना था, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000,000,000 10,00,000,000 करोड़ 10 करोड़ अरब, मतलब 3,48,87,5,5,080 रुपये स्कॉलरशिप ओबीसी के लिए दी गई थी, एससी के लिए दी गई थी, एसटी के लिए, मतलब जो उनका रिपोर्ट है, मतलब कि हमने अगले साल कितना स्कॉलरशिप दिया था इंटरमीडिएट के लिए, अदर देन इंटरमीडिएट के लिए, इस पर पूरी जानकारी दे सकते हैं आपकी अगले साल कितना स्कॉलरशिप बांटा गया था दोस्तों, तो ये रिपोर्ट में बताता है दोस्तों। फिर उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट में जितना भी पैसा बांटा गया तो वो आपको जौनपुर जितना भी है वो आपको पूरी जानकारी देगी रिपोर्ट में। दूसरा लॉगिन में क्या करना है, जिन्होंने जिनका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है या गवर्नमेंटेड इंस्टीट्यूट, तो वो वहां से लॉग इन कर सकते थे, उनके पास पासवर्ड होगा, आईडी होगा दोस्तों। दूसरी बात, स्टूडेंट में क्या करना है आपको दोस्तों, स्टूडेंट में आपको अपनी अपना फॉर्म भरना है दोस्तों, तो अपना फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। दूसरे में आते हैं पहले कॉन्टेक्ट अस पे, तो कॉन्टेक्ट अस पे जैसे कि आप स्कॉलरशिप कोई जानकारी चाहते हैं कि आपको कॉल करना है या कोई भी जानकारी जो आपको ना समझ में आ रहा है तो कॉन्टेक्ट डिटेल कर सकते हैं। जैसे पीके त्रिपाठी है संयुक्त निदेशक एवं पूर्व 10वें एवं 10वें छात्रवृत्ति बाह प्रदेश के अंदर, तो इस नंबर पे क्लिक करिए। और देखिए नंबर पे क्लिक करने का समय कितना है, 10 से 12, और 12 से 2 कौन मिलेंगे, सिद्धार्थ मिश्रा, मतलब छात्रवृत्ति से अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो देखिए 12 से 2 ये मिलेंगे आपके सिद्धार्थ मिश्रा, और पीके त्रिपाठी कब मिलेंगे, 10 से 12, उससे पहले मत। बहुत लोग कहते हैं सर हम कॉल करते थे कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए तो फोन ही नहीं उठाता, तो ये आप अगर इस टाइम पे 10 से 12 और 12 से 2 करेंगे तभी ये मिलेंगे। दूसरा पिछड़ा वर्ग के लिए, देखिए ये दोस्तों ये जैसे उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए है, तो पिछड़ा वर्ग के लिए क्या है, तो देखिए टोल फ्री नंबर है, इसमें क्या पिछड़ा वर्ग के लिए अजीत कुमार सिंह, वही इस टाइम है
अवकाश के दिन छोड़कर। तो फिर उसके बाद अल्पसंख्यक के लिए भी आप अपनी जानकारी लेना चाह सकते हैं कि अगर हमारे फॉर्म में कोई गड़बड़ी है तो आप कंटेक्ट करके इनसे अपने समाधान ले सकते हैं। दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ से अपना समाधान ले लीजिए इनसे कॉल करके कि सर हमारे फॉर्म में ये दिक्कत है या हमारी स्कॉलरशिप आई है, स्कॉलरशिप संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए दोस्तों तो ये आपके फॉर्म के बारे में बताएंगे, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कोई मिस्टेक हो गया तो कैसे सुधार करेंगे, ये पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों आपको कहीं भी नहीं जाना और कहीं भी आपको दिक्कत होगी तो यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन टाइमिंग का प्रतिबंध है दोस्तों, तो टाइमिंग से ही आप करिए। दूसरा आता है हेल्प। देखिए दोस्तों उसके बाद हेल्प में क्या है, जो जैसे आपको कोई परेशानी तो हेल्प के द्वारा आप ले सकते हैं दोस्तों, तो हेल्प कर सकते हैं। फिर देखिए आगे हम यहाँ पे क्लिक किए दोस्तों तो हेल्प पे भी आप जा सकते हैं दोस्तों। अब आते हैं स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं थोड़ा सा स्टूडेंट पे, देखिए क्या, या तो आप हेल्प पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपका हेल्प जैसे जनरल इंट्रक्शन स्टूडेंट, मतलब कि जो जो इंट्रक्शन है हिंदी में आप देख सकते हैं, इंग्लिश में देख सकते हैं दोस्तों। जैसे कोई भी इंट्रक्शन चाहिए, जैसे जनरल इंस्ट्रक्शन आप फॉर स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है कि आपको बैंक पासबुक रहना चाहिए, आपके प्रीवियस आपका अंक रहना चाहिए जो आपके नेक्स्ट ईयर के पास हुए हैं, प्लस आपकी ऐसी मतलब कि जाति, मतलब कि ओबीसी एसटी, मतलब जो कार्ड बनते हैं कि आपकी, जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए और निवास सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब कि तो ये सर्टिफिकेट लगता है, तो ये पूरा इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको क्या क्या करना है दोस्तों, तो हेल्प के द्वारा आप देख सकते हैं दोस्तों। दूसरी बात आपका, अब देखिए स्टूडेंट पे क्या है, स्टूडेंट पे ही आपको फॉर्म भरना है दोस्तों। स्टूडेंट पे क्या फॉर्म भरना है तो इसके बारे में हम बता दे रहे हैं। स्टूडेंट पे आएंगे, देखिए स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन और प्री फ्रेशर लॉगिन आफ्टर पोस्ट इंटरमीडिएट फ्रेशर और पोस्ट अदर देन, जो फ्रेशर है उनके लिए। तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाइए, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करते हैं तो एक पूरा मतलब जितने लोग हैं, चाहे एससी एसटी हो चाहे जो है, देखिए ये न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते तो समाज कल्याण विभाग आ जाएगी फॉर एससी एसटी जनरल कैटेगरी फ्रेशर के लिए। तो प्री मैट्रिक 9-10 वाले भर सकते हैं दोस्तों, जो 9-10 के विद्यार्थी हो वो भर सकते हैं, पोस्ट मैट्रिक 11-12 के विद्यार्थी भर सकते हैं, पोस्ट मैट्रिक अदर देन बीएससी जिनका हो, बीकॉम हो, प्लस पॉलिटेक्निक किया, इंजीनियरिंग किया, मेडिकल किया, तो वो फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। दूसरा पिछड़ा मतलब ओबीसी के लिए, फ्रेशर के लिए दोस्तों पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक आप भर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है फ्रेशर माइनॉरिटी के लिए, देखिए प्री मैट्रिक 9-10 होता है दोस्तों, पोस्ट मैट्रिक 11-12 होता है, पोस्ट मैट्रिक अदर देन तो क्या होता है दोस्तों आपका बीएससी बीकॉम और पॉलिटेक्निक, तो ये पोस्ट मैट्रिक बीएड बीटीसी, तो ये सब इसमें भर सकते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद रिन्यूअल, जो अगर अगले साल फॉर्म भरे हैं तो वो रिन्यूअल करेंगे दोस्तों, वो फ्रेशर पे नहीं भरेंगे। जिन्होंने अगले साल अगर अपना फॉर्म भरा है तो उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर रहना चाहिए, पासवर्ड, तो अगर वो 9-10 के हैं तो 9 में अगर उन्होंने फॉर्म भरा, अगर 10 में फिर से अप्लाई करना तो उनको सिर्फ रिन्यूअल करना, और 11 में भरे तो 12 में फिर से करना चाहिए तो फिर रिन्यूअल। अगर बीए बीएससी बीकॉम में फर्स्ट ईयर में है तो उनको अगर सेकेंड ईयर में भी उनको रिन्यूअल ही करना पड़ेगा दोस्तों, पूरा फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। तो उसी तरह माइनॉरिटी का है, ओबीसी का है दोस्तों, तो इसी तरह आपको फॉर्म भरना पड़ेगा दोस्तों। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा जिससे आपको फॉर्म भरा जाए दोस्तों। तो ये थी, बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि पूरी जानकारी दी थी दोस्तों कि इसमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो आप अपना डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाएंगे दोस्तों, तो जैसा कि हम बता दें, सबसे पहले आपके पास बैंक पासबुक रहना चाहिए, और दूसरी बात देखिए इसमें सख्त निर्देश दिया कि स्कॉलरशिप फॉर्म वही बंदा भर सकता है जिसके पास आधार कार्ड है दोस्तों। यदि आपके पास आधार कार्ड है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, जो लोग अगर आधार कार्ड नहीं बनाए तो बनवा ले, हर बैंक में या पोस्ट ऑफिस में आधार कार्ड बन रहा है दोस्तों। दूसरी बात आपके पास रसीद भी रहना, जैसे कि आपने फीस जमा किया है तो आप उसका फीस का रसीद ले लीजिए दोस्तों, अगर फीस रसीद नहीं लेंगे तो आपको एक्चुअली फीस नहीं पता चलेगा, जिसके कारण कम अगर गलत भरते, इसके पहले वीडियो में हमने दोस्तों बताया है, पूरा इंट्रक्शन बताया कि आपकी स्कॉलरशिप कैसे आएगी, क्या क्या भरना, क्योंकि इसके इस बार सरकार ने खुद ही इंट्रक्शन दिया कि स्टूडेंट क्या 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 गलतियां करते हैं जिसके कारण स्कॉलरशिप नहीं, जैसे कि बहुत लोग जीरो या ओ प्रेस कर देते हैं तो जिसके कारण उनकी स्कॉलरशिप नहीं आती। दूसरी बात, बहुत लोगों का आधार कार्ड में नंबर में गलत हो जाता है, या तो हाई स्कूल मार्कशीट में नंबर रोल नंबर गलत करते हैं, या तो पूर्णांक भरने में गलत कर देते हैं दोस्तों, तो बहुत सारी ऐसी कमियां, तो इसीलिए निर्देश दिया इसके पहले वीडियो में हम इन सारे निर्देशों के बारे में बताएं। दूसरी बात दोस्तों कि आपका आधार कार्ड इसमें मस्ट है, और आपके पास फोटो रहना चाहिए, सिग्नेचर रहना चाहिए, थंब रहना चाहिए, प्लस स्कूल में जब आप इसका स्कॉलरशिप का फॉर्म जमा करेंगे, ये लेटेस्ट न्यूज है दोस्तों,
तो आपको एक रसीद कटवाना पड़ेगा, जिसको आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको रखा रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है तो आप क्या करेंगे, समाज कल्याण विभाग अधिकारी में जाके अपने फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी कि हमने फॉर्म भरा है, हमारी स्कॉलरशिप नहीं, तो ये पूरी जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। तो जिन्होंने कमेंट किया था इसी आधार हमने पूरी वीडियो बना दी दोस्तों। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए दोस्तों तो कमेंट करके बताइए कि आपको क्या जानकारी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और जिन्होंने अभी तक हमारा वीडियो दोस्तों सब्सक्राइब किया है तो निवेदन है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। स्कॉलरशिप संबंधित कोई भी जानकारी हो तो दोस्तों तो सबसे पहले हम आपके सामने प्रस्तुत हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, तो यहीं से अलविदा लेते हैं। अगर आपको कोई परेशानी तो कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे हम आपकी स्कॉलरशिप संबंधित परेशानी पे एक वीडियो बनाएं, जिससे आपकी परेशानी हल हो सके दोस्तों। 1 से 2 दिन लगता है दोस्तों, हम उस जो आप कमेंट करते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं दोस्तों। तो ये आपके पास पूरी जानकारी पहुंच रही है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइए दोस्तों। अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।